अरे एकता, तू यहाँ वो भी ऐसी फटीचर हालत में। दिया तू, और फटीचर का मतलब क्या है? यही सलवार कमीज चुन्नी ये भैंजियों वाला लुक, ऊपर से ये तेरा आउटडेटेड थैला। अरे लेकिन सलवार सूट तो आजकल सब पहनते हैं और लड़कियां ही तो पहनती हैं। यही तो बात है, आजकल कोई नहीं पहनता, पहले पहना करते थे। तू कौन से जमाने में जी रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आता सूट सलवार में पुराना जमाना कहाँ से आ गया। आजकल सब पहनते हैं, तेरी मम्मी भी पहनती है, मेरी मम्मी भी पहनती है। अरे वो तो पुरानी जनरेशन के है ना, हम जैसे यंग तो नहीं पहनते। पता नहीं, शायद तू ऐसा सोचती है, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इन सूट में। वही तो, तेरा ड्रेसिंग सेंस जैसे गायब ही हो गया। कॉलेज में तो तू नहीं थी ऐसी। देख जैसा माहौल होगा वैसे तो इंसान कपड़े पहनेगा। कॉलेज में कॉलेज जैसे थे, और अब शादी हो गई है तो बस इन कपड़ों में। शादी तो मेरी भी हो गई है, देख तुझे कहीं से लग रहा है कि मैं बदल गई, पर तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तेरे ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही पुराने जमाने के हैं। ऐसा कुछ नहीं है दिया, सबके अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तेरी चॉइस ये है, मेरी चॉइस ये है। लेकिन तेरी ये चॉइस कुछ ज्यादा ही आउटडेटेड नहीं हो गई? अरे एकता, तुम कब आए? और ये सामान दो इधर। अरे नहीं मैं उठा लूंगी। अरे छोड़ो, तुम्हें मैंने मना किया है ना सामान उठाने से, फिर उठा लेते हो। मुझे रिक्शा ने यहीं तो उतारा था, मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे ये कौन है? ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है दिया। दिया ये मेरे हस्बैंड है गगन। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते। बाकी इन्हें बुलाना, घर पे कुछ खा पी लेंगे। हाँ आना दिया कभी चाय कॉफी पे। हाँ हाँ टाइम लगा तो जरूर आऊंगी। तुम करो बात। ठीक है मैं गाड़ी में हूँ, फटाफट आ जाओ। अब तो मैं समझ ही गई तू ऐसे लुक में क्यों रहती है। तेरे पति को देखकर सब समझ आ गया। मेरे पति को देख के समझ आ गया मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। उसका ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, जैसे उसने ग्रीट किया, सब आउटडेटेड था। तो अब मैं तुझे देख के समझ गई तू इतने पुराने जमाने की कैसे हो गई, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। मुझे तो लग रहा है तू ही कुछ एडवांस हो गई है दिया। तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं? मैं इतनी देर से अंदर से आवाजें मार रहा हूँ और तू बातों में लगी हुई है। चल अंदर, मेरा दिमाग घूम गया ना, फिर देख लियो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। जल्दी अंदर आ। आ रही हूँ। बातों में लगी हुई है। ये तेरे हस्बैंड? हाँ मेरे हस्बैंड थे। अच्छा अब मुझे देख के लग ही रहा है कि तू ऐसे क्यों बोल रही थी। क्या मतलब? तूने अभी मेरी चॉइस, मेरे हस्बैंड सबको आउटडेटेड कह दिया, लेकिन अपने हस्बैंड का बिहेवियर देखा? एक बात कहूँ दिया, बुरा मत मानियो, मेरी सबसे बड़ी कमाई और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट तुझे पता है क्या है? मेरा वो हस्बैंड जो मेरी बहुत इज्जत करता है। और उससे ज्यादा लड़की कौन ही हो सकती है, लड़की जिसका हस्बैंड उसकी इज्जत करे। कभी आना चाहते हैं?